यहाँ पे कान्हा जी का झुलवा रेडी कर रहे हैं। ये पूरा डेकोरेशन हाथ से कर रहे हैं गाइस, क्योंकि बहुत खूबसूरत यहाँ पे झुलवा बैठा दिए हैं। ये वाले जो देख रहे डेकोरेशन, और यहाँ पे कान्हा जी को अब स्नान करवाएंगे, मतलब इसको नहलाना है। तो यहाँ पे हम ड्रेस खोल रहे हैं, ड्रेस इसको खोल के उसके बाद छोटू से मेरी नंद गोपाल देख सक रहे कितने क्यूट, कितने प्यारा सा है। तो इनको अब इनको नहलाना है। तो ये वाले सारी में रिंग और इनके कान के जितने भी थे सब कुछ खोलकर अब इनको स्नान करवाना है गाइस। तो ये रहा गंगा जल और पानी से मैं स्नान करवा रही हूँ। तिलक जो भी है उन अच्छे से मैं इनको नहला रही हूँ जैसे छोटे बच्चे होते हैं। और इतना इतना आनंद मिल रहा था। और ये दही दही से भी स्नान करवा रहे हैं, क्योंकि ये सब मेन होता है कान्हा जी का, दही घी मधु ये सब चीज़। अभी मधु डाल रहे हैं, मधु से स्नान, जैसे पहले दही से किए, दूध से किए, उसके बाद मधु से, उसके बाद घी, चंदन लगाने के बाद घी से करूँगी। पहले चंदन लगा लूँगी उसके बाद घी से स्नान करूँगी। तो चलिए हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। तो यहाँ पर गोपाल जी को नहला रहे हैं और गंगा जल और पानी से इनको स्नान करवा रहे हैं। उसके बाद इनको अच्छे टॉवल से इनको पोंछ रहे हैं, क्योंकि नहाने के बाद बच्चे को या जो भी नहाता है गाइस वो टॉवल से पोंछता है अपने। तो इनको भी हम अच्छे से पोंछ रहे हैं और इनको नहलाकर मुझे इतना इतना अच्छा लगा बता नहीं सकते। और यहाँ पे इतना खूबसूरत सा देख सक रहे हैं ड्रेस गाइस, मतलब गोपाल जी का ड्रेस इतनी छोटी छोटी क्यूट सा होता है, मतलब बहुत अच्छा। और यहाँ पे हम इनको नहलाने के बाद क्रीम बॉडी लोशन जैसे इंसान लगाते हैं उसे भगवान को, मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, क्योंकि नहलाने के बाद इस तरह नहीं रखा जाता है तो घी यूज़ किया जाता है, तो मैं घी यूज़ कर रही हूँ। और इनको एक प्यारा सा ड्रेस पहना रहे हैं और देख सक रही गाइस इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हैं हमारे गोपाल जी, लड्डू गोपाल। तो ये ड्रेस है उनका जो कि यहाँ पे हम ड्रेस पहना रहे हैं। और गोपाल जी अभी बहुत क्यूट लगने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को ना पूरा एंड तक देखिएगा और इस मतलब ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू मतलब देखिएगा। और आज का मेरा ब्लॉग यही है, गोपाल जी का जन्माष्टमी था तो मैं घर पे खुद करती हूँ और मैं फास्टिंग रखती हूँ और निर्जल फास्ट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत प्यारा था तो उसे म्यूट करना पड़ा वरना कॉपीराइट आ जाता है गाइस। और यहाँ पे गोपाल जी को मैं भोग चढ़ा रही हूँ। तो ये भोग में मैंने लिया है लड्डू, खीर, धनिया का हलवा, मक्खन, दही, पांच किस्म का मैं मिष्टी ली हूँ, पांच टाइप का है, खीरा, एप्पल और लड्डू, बहुत कुछ ऐसे सामान मैंने, मम्मी खीर बनाया, पुआ होता है वो फेवरेट होता है उनका, वो बनाया, जो कृष्ण भगवान का फेवरेट होता है वो सारा भोग मैंने लिया था। और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ गोपाल जी को। तो चलिए आगे देखते हैं, मैं यहाँ पे गोपाल जी को भोग पूरा लगा रही हूँ। तो चलिए आगे हमारे साथ बने रहिए और चलिए देख। तो मेरा आरती कंप्लीट होने के बाद अब मम्मी आरती करेगी। तो मम्मी आ गई है, आरती कर रही है और कितना खूबसूरत गोपाल लग रहा है गाइस, इतना क्यूट उनका ड्रेस, इतना प्यारा है, उतना अच्छा प्यारा गोपाल जी है बता नहीं सकते हैं।
तो गोपाल सभी का फेवरेट होता है और बहुत नटखट होते हैं गोपाल जी। और अभी सिस्टर आरती कर रही है, तो हम लोग एक एक करके सभी आरती किए हैं। तो यहाँ पे सिस्टर आरती करने के बाद पापा आरती करेंगे, तो पापा आ गए हैं, तो पापा आरती कर रहे हैं। और गोपाल जी को सभी का फेवरेट होता है, सभी का फेवरेट है, और वो इतनी क्यूट, इतनी मतलब बता नहीं सक रहे हैं। यहाँ पापा आरती कर रहे हैं, तो पापा का आरती करने के बाद मेरी छोटी सिस्टर आ गई है, छोटी सिस्टर आरती कर रही है। और ये बहुत मतलब खुशी की बात है गाइस, जो जन्माष्टमी इतना प्यारा, इतना सब धूमधाम से मनाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जी जा रहे हैं झुलवा पे, तो सब बोलिए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हाथी घोड़ा पाल की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंद जी को मतलब एक रस्म होता है झुलवा से, मतलब झुलवा में बैठा कर फिर से उनको उठाकर उसे खिलाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है गाइस, तो देखते हैं थोड़ा सा झुलवा में बैठाता है, उसके बाद सभी एक एक करके उनको लेता है। उसके बाद थोड़ा सा तब यहाँ पे पापा जी ले लिए हैं, और सभी एक एक करके गाइस गोपाल जी को इतना अच्छा से, इतना प्यारा से उन्हें सब खिलाया है और इतने लोरी सुनाया है गाइस, बता नहीं सक रहे हैं। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा को जन्म होता है तो सभी एक एक करके गोदी लेते हैं और बहुत प्यार लाड करते हैं। तो उस तरह राधे कृष्ण मतलब बताने से, यहाँ हमारे डांस स्टार्ट हो गई है, तो विदाउट म्यूजिक का डांस किए जा रहे हैं हम लोग, और इसमें कितना फनी लग रहा है बता नहीं सक रहे हैं। यहाँ हम मम्मा सिस्टर सब डांस कर रहे हैं, तो गाना भी बहुत सुंदर था। और यहाँ पे मैं लोरी सुना रही हूँ कृष्ण भगवान के, तो यहाँ पे लोरी सुनाते हुए और मम्मा डांस करते हुए, और इतना इतना खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। तो सभी लोग कमेंट में है, राधे राधे कमेंट कीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा, एक कृष्ण भगवान के लिए कमेंट कीजिएगा गाइस। और चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम कृष्ण भगवान को लोरी सुना रहे हैं और देख सक रहे हैं गाइस, और यहाँ पे झुलवा पे बिठा रहे हैं। अब कृष्ण जी का जन्म होने के बाद झुलवा में बिठाया जाता है, तो यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे झुलवा में बैठा रहे हैं हम, और मेरी मम्मा बैठा रहे हैं झुलवा में कृष्ण भगवान को। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे बार बार उनका मुकुट गिर जा रहा था, क्योंकि इतना अच्छा से डेकोरेशन किए थे गाइस उनका झुलवा, तो वो बड़ा था तो गिर जा रहा था। तो यहाँ कमल फूल में चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस कृष्ण भगवान झुलवा में बैठ गए हैं, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा था गाइस वो बहुत सुंदर था, मुझे म्यूट करना पड़ा। और यहाँ मेरी मम्मी डांस कर रही है, वो म्यूज़िक म्यूट कर दिए क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो वो हम म्यूज़िक नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमें वॉइस रिकॉर्डिंग देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर आई, वो भी फूल चढ़ा रही, वो भी चॉकलेट दे रही टॉफ़ी कृष्ण भगवान को, क्योंकि जन्म होने के बाद कुछ तोहफा बनता है, तो सभी लोग चॉकलेट दे रहे थे। मैं भी चॉकलेट दी, पापा भी चॉकलेट दिए, सभी लोग चॉकलेट दिए। और यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब आया गाइस केक कटना बाकी था, तो कैसे केक ना कटे, गोपाल जी का जन्म हुआ है और उनका केक तो बनता है। तो यहाँ पे हम केक गोपाल जी को चढ़ा रहे हैं और केक कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू गोपाल जी। तो सभी लोग बर्थडे विश कीजिए हैप्पी बर्थडे कान्हा को। तो यहाँ पे मैंने केक कट कर लिया है, और केक कट करने के बाद मैं गोपाल जी को मैं थोड़ा चढ़ा रही हूँ, क्योंकि उनका जन्म है तो उनको खिलाना बनता है। तो ये केक कट हो गया मेरा, और ये गोपाल जी को मैं खिला रही हूँ। तो गाइस पूजा में इतना इतना आनंद मिलता है बता नहीं सकते हैं। और यहाँ पे केक कटने के बाद थोड़ा थोड़ा सभी लोग गोपाल जी को खिला रहे हैं, जैसे कि मेरी मम्मी खिला रही है गोपाल जी को। तो यहाँ पे बहुत इंजॉय किए थे हम लोग। इसके बाद तो यहाँ पे केक कटना कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे हम और मम्मा डांस कर रहे हैं, और विदाउट सॉन्ग अजीब सा लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे हम और मम्मा डांस किए जा रहे हैं, क्योंकि गोपाल जी का जन्म हुआ है और डांस तो बनता है। और गोपाल जी का मतलब
बता नहीं सक रहे, बहुत बहुत मतलब हम लोग इतना झूम कर डांस कर रहे थे। मेरे मम्मा का डांस देख ही सक रहे, कितना प्यारा डांस कर रहे हैं वो, और हम भी डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डांस करते हुए, यहाँ पे हम मम्मा सिस्टर लोग सब डांस कर रहे थे। तो गाइस बहुत बहुत इन्जॉय किए, बहुत खुलकर इन्जॉय किए कान्हा जी का जन्म में और इनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो फिर से यहाँ पे हम और मम्मा डांस करना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत बहुत इन्जॉय किए, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे हम लोग कितना शुरू से मतलब इतना हैप्पी थे। और यहाँ पे पूरा झूम झूम के डांस कर रहे थे, जबकि मेरा फास्टिंग था गाइस, और मैं तो भी रुक नहीं रही थी। और यहाँ पे हम सिस्टर मम्मा सब मिलकर डांस कर रहे हैं, और कितना मतलब ये पल जो है गाइस बहुत खूबसूरत होता है जब फैमिली एक साथ हो और एक साथ डांस करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलता है। तो यहाँ पे हो गया है कम्प्लीट, तो हैप्पी बर्थडे का। तो यहाँ पे कान्हा जी देख ही सक रहे हैं कितना प्यारे लग रहे हैं, तो सभी लोग विश कीजिएगा हैप्पी बर्थडे कान्हा। तो जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं कान्हा जी के लिए, और इतना सारा टॉफ़ी मिला है कान्हा जी को, तो बहुत बहुत इंजॉय किए। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये मेरे छोटू से नंद गोपाल बहुत क्यूट लग रहे हैं, तो चलिए आगे हमारे साथ बने रहिए और देखिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा पूजा, और नंद गोपाल जी को देखिए गाइस झूला झूला रहे हैं। ये झुलवा झुलाते हुए ओ काना अब तो मुरली की मधुर गीत सुना दो ना। तो यहाँ पे पूरा हो चुका है कंप्लीट, और कृष्ण भगवान झुलवा झूल रहे हैं। तो ब्लॉग में सब मिल जाएगा गाइस, एंड तक देखिएगा ब्लॉग, स्किप ना करके फुल ब्लॉग देखिएगा, और मतलब जितना हो पाया है सारा ब्लॉग में कैप्चर किए हैं, तो वो आप लोग को मिल जाएगा। और कृष्ण भगवान का ये रहा भोग, ये प्यारा सा भोग देख सक रहे हैं, इतना सारा जो कृष्ण भगवान पूरा खा चुके हैं ये वाले। तो ये वाली ओके, पूरा कंप्लीट हो गया पूजा। तो यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, सभी का मंगल हो। और गाइस अभी रात के हो रही है 2:30 मतलब समझ रहे गाइस, अभी भी मतलब अभी ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हुआ है, कल 4 बजे तक मुहूर्त है। तो सभी लोग पूजा आराम से कीजिए, नंद जी को झुलवा झुलाइए, ये प्यारे से नंद जी को झुलवा झुलाइए, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, केक कट कीजिए। और आ गए हैं झुलवा पे नंद जी। तो चलिए अब रात की 2:30 है, तो ब्लॉग को ये लंबा ना करके यहीं पे एंड करते हैं, तब तक फिर मिलते हैं एक अच्छा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सभी को गुड नाइट।